नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में पिछले सप्ताह भर से बदस्तूर गुर्जर आंदोलन जारी है, लेकिन इसी बीच गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कल शाम एक बड़ा ऐलान कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर समाज के लोगों को संबोधित किया, उससे कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि गुर्जर आंदोलन अब खत्म करने के मूड में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आ गए हैं। कल पीलूपुरा में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले इस बात को कहा कि वो अगले जन्म भी गुर्जर समुदाय में लेना चाहेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने विजय बैसला को समाज का सर्वमान्य नेता बता दिया। साथ ही कहा कि जो भी समाज के मापदंड है उनमें विजय बैसला खरे उतरेंगे। पीलूपुरा में समाज के लोगों को ट्रैक पर संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने, पहले उसे सुनिए। तो यही कहूंगा कि बार बार यदि मुझे कहीं जन्म मिले तो इसी कौम में मिले। आज मैं सुन रहा हूँ विजय की बात, आपने इसे स्वीकार किया, मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कि विजय आपके इरादों पर खरा उतरेगा। तो सुना आपने, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सूबे की सरकार को 12 घंटे का वक्त दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री अशोक चांदना जो भी वार्ता के विषय हैं, जो भी उन्होंने मांगे मानी है, वो मांगे लेकर, समझौता लेकर वो पीलूपुरा ट्रैक पर पहुंचे, वहां पे उनसे बात की जाएगी। और साथ ही साथ इस दौरान कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने मंत्री अशोक चांदना को समाज का लाडला भी बताया। उन्होंने कहा कि मंत्री अशोक चांदना अच्छे मंत्री हैं और वो हम सबके लाडले हैं। क्या कुछ कहा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने मंत्री अशोक चांदना के लिए, अब उसे सुनिए। मैं 12 घंटे दे रहा हूँ सरकार को, 12 घंटे में अशोक चांदना यहाँ पधारे और उनका स्वागत है। हम सबके वो लाडले हैं, अच्छे मंत्री हैं और उन्हें आ जाना चाहिए जी। रही आरक्षण की बात, लाभान्वित तो समाज हुआ है, बिल्कुल काफी लाभान्वित हुआ है, लाभान्वित होगा। दो तीन बातें याद रखिए, शिक्षित, संगठित और संघर्षशील। संघर्षशील बनिए, शिक्षित बनिए और संगठित रहिए। तो सुना आपने, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला अब इस मूड में आ गए हैं कि कहीं ना कहीं जो गुर्जर आंदोलन है अब उसे खत्म कर दिया जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि वो नहीं चाहते कि समाज के लोग दिवाली का त्यौहार भी ट्रैक पर मनाएं। जाहिर तौर पर सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच कई स्तर की वार्ता हो चुकी है। मंत्री अशोक चांदना पहले भी पीलूपुरा ट्रैक पर जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन तब उन्हें गुर्जर समाज के लोगों ने वहां पर एंट्री ही नहीं दी। उसके बाद आईएएस अफसर नीरज के पवन भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने वार्ता की, लेकिन उसका कोई समीकरण या उसका कोई हल नहीं निकल सका। लिहाजा अभी पिछले दो दिनों से जो सरकार और गुर्जर समाज के बीच की जो वार्ता है वो नहीं हो पाई थी। खैर, मंत्री अशोक चांदना ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से जरूर ये हाल ही में अपील की थी कि वो जयपुर आए और उनसे टेबल टॉक किया जाएगा, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था बंद कमरे और गोल टेबल पर किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं होगा, पटरी पर आए, समाज के लोगों के बीच में ही वार्ता होगी क्योंकि मसला समाज का है। लिहाजा जिस प्रकार से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कल शाम इस बात का ऐलान कर दिया कि मंत्री अशोक चांदना आए और उनसे वार्ता करें और जो भी उन्होंने मांगे मानी है वो समाज के लोगों को बताएं, जाहिर तौर पर यदि वार्ता सफल होती है तो आंदोलन भी खत्म कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन में ये पहली मर्तबा देखा गया है जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जो रुख है पूरे मामलात को लेकर सकारात्मक हो और वो सरकार से वार्ता करने के लिए खुद कह रहे हों।
बहरहाल अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिक गई है कि आखिर वार्ता कब होती है और वार्ता के बीच हल निकल पाता है या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं, ये गौर करने वाली बात होगी। दोस्तों, द फैक्ट इंडिया की टीम की गुर्जर समुदाय के आंदोलन और सरकार के बीच वार्ता पर जो तमाम चीजें चल रही हैं उस पर पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी और लेटेस्ट अपडेट हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।